नमस्कार। IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का सपना किसका नहीं होता। हर कोई ये सपना देखता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके ये सपने सच होते हैं। पर आपको जानकर हैरत होगी, 5-6 साल की नौकरी के बाद अगर इस पोस्ट से, IAS की इस पोस्ट से कोई त्याग पत्र देने के लिए मजबूर हो जाए, तब आप क्या समझिएगा? जी हाँ, आज मैं जिस घटना को उद्धृत कर रहा हूं, वो घटना राजनीति के लिए, सरकारों के लिए, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और समाजों के लिए बहुत सोचनीय और विचारणीय है। हमारी सरकार का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मजबूत बनाओ और बेटियों की सुरक्षा कीजिए। लेकिन वो दावा, ये नारा तब खोखला प्रतीत होता है जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार के वहाँ कार्यरत IAS मीना नागर को अपनी सुरक्षा कारणों की वजह से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बेटी जो कई वर्षों से संघर्ष कर रही होती है, जो सामाजिक न्याय के डिपार्टमेंट में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही होती है और संघर्ष कर रही होती है अपनी सुरक्षा का, अपनी सम्मान का, जिसके साथ कई बार उत्पीड़न की कोशिश होती है और वो बार बार शिकायत दर्ज भी कराती है, यही नहीं उसका मामला न्यायालय तक भी जाता है, लेकिन सरकारें नहीं सुनती, उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते और एक IAS अधिकारी बिल्कुल इस तरह से रहती है जैसे उसके पास उसका जैसा कोई वो पद, उस तरह की कोई सुविधा हो ही नहीं। जिस तरह की घटनाएं IAS रानी नागर ने अपने फेसबुक पोस्ट में, सोशल मीडिया में और अपने इंटरव्यूज़ में कही है, वो घटनाएं निश्चित रूप से सोचनीय हैं, विचारणीय हैं। एक कामयाब बेटी को, IAS बेटी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? बार बार उसकी गुहार सुरक्षा की के कारणों पर जो उसने लगाई थी, उस पर सरकार ने, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने विचार क्यों नहीं किया? हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी अधिकारी है, लेकिन उसके बावजूद IAS बेटी की सुरक्षा पर जब सरकार विचार नहीं कर सकती, तब सवाल यह है कि साधारण बेटियों की सुरक्षा पर ये नारे कितने खोखले लगते हैं। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पक्षकार हूँ और मैं कई मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर घटना पर मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाऊँ। जब कोई घटना इस तरह की सामने आती है जो आपसे सवाल करती है, तब आपका ज़मीर आपसे बुलवाता है, सवाल बुलवाता है, उनसे पूछवाता है जिनकी आप तरफदारी करते हैं। ये सवाल बनता है हरियाणा की खट्टर सरकार से, ये सवाल बनता है केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार से। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को स्वावलंबी बनाओ, बेटियों को मजबूत बनाओ, ये नारे लगाते हैं ना? लेकिन आज ये नारे कितने खोखले लग रहे हैं जब एक IAS बेटी बार बार अपने साथ हो रहे उत्पीड़न का, अपने साथ हो रही ज्यादतियों का, और एक बेटी, एक महिला जब समर्पण नहीं करती सामने वाले के सामने, तब उसका दूसरी तरीके से उत्पीड़न होता है, उसे मजबूर करने का प्रयास किया जाता है। ये कुछ कहानियाँ, उनके जो बयान हैं, उनकी जो शब्दावली है, वो ये जता रही है कि किस तरह की टॉर्चरिंग से ये IAS रीना नागर गुजरी है और अब उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
अपनी बहन के साथ एक कमरे में जो रह रही थी, और आइए सोने के बावजूद भी कितना दर्द कितना उत्पीड़न सह रही थी। ये सवाल है जो ऊपरी तौर पर आईएएस की नौकरी को बहुत वैभवशाली मानते हैं। मुझे लगता है अब उनके भी कान दिमाग आंखें सब खुल जानी चाहिए। ये बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करता है, ये बहुत कुछ आपके समझौतों पर निर्भर करता है। और आज तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो आईएएस दूसरी महिलाएं हैं, क्या उनके साथ भी इस तरह का उत्पीड़न होता है? क्या वो चुपचाप सह लेती है या समझौता कर लेती है? सवाल ये है कि अगर रानी नागर जी की कोई गलती थी तो उन्हें सामने लाया जाता, लेकिन डिपार्टमेंट की गलतियों का भी तकाजा ये नहीं होता, उसकी सज़ा ये नहीं होती कि आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ढीला कर दें, आप उसके साथ ऐसा सुलूक करें जो उत्पीड़न की तरह लगे, आप उनको वो सुविधाएं प्रदान न करें। बहुत अफसोसजनक घटना है। और अब जब प्रतिपक्ष जगा है, विपक्ष जगा है, तब खट्टर सरकार ने जो खबरें आ रही है, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि रानी नागर के इस्तीफे को मंजूर न किया जाए और उनको उन्हीं के स्टेट में कहीं उनको डेपुटेट कर दिया जाए, वहाँ पर उनकी नौकरी लगा दी जाए, यानी वहाँ पर उनको जो है कार्यभार दे दिया जाए। ये नाकामी है सरकार की। अब आपको पल्ला झाड़ना पड़ रहा है। रानी नागर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, और शायद एक्टिव इसलिए रही क्योंकि उनके मन में ये ख्याल आया कि जब सरकारें नहीं सुन रही, जब उनसे बड़े उच्च अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे, न्यायालय में केस विचाराधीन है, अगर इस बीच उनके साथ उनकी बहन के साथ अगर कोई घटना हो गई तो फिर वो तो दबा दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मीडिया के सामने, फेसबुक के अपने मित्रों के सामने अपनी हर घटना का जिक्र किया ताकि वो सबूत के तौर पर वो सारी चीज़ें जिंदा रहे। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इस मंच की वजह से ही ये सरकार मजबूर हुई है, या वे लोग जो इनके साथ साजिश कर रहे थे बहुत कुछ कर सकते थे, उनके हाथ बंधे हैं, अन्यथा इस बेटी के साथ बहुत कुछ हो सकता था। सिर्फ मायावती जी ने आवाज़ उठाई है, बहुजन समाज वादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की हमने कुछ ट्वीट या कुछ उनके बयान देखे हैं जिसमें उन्होंने इस बेटी के लिए आवाज़ उठाई है। ये सवाल इस बात का नहीं है कि नागर किस जाति की है, किस धर्म की है, सवाल इस बात का है वो भारत की बेटी है, वो किस जाति से आती है, किस संप्रदाय से आती है, किस मजहब से आती है, वो बहुजन समाज से आती है या उच्च वर्ग से आती है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो भारत की बेटी है, और भारत की बेटी की सुरक्षा, उसका सम्मान और उसके स्वाभिमान को हरियाणा सरकार सही रूप से नहीं रख पाई, उसको वो सम्मान नहीं दे पाई, उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई, और हालात तो तब और ख़राब हो गए जब इस्तीफा देकर के वापस आ रही थी तब उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और उस वक्त भी उन्होंने सहायता मांगी थी लेकिन उस वक्त भी सहायता नहीं मिली। लेकिन वहीं पर रानी नागर की फेसबुक पोस्ट से या कहीं से मैंने सुना है, एक पुलिस के कर्मचारी ने, अधिकारी ने वहाँ पर इसको संज्ञान में लिया, उसी क्षेत्र के, उन्होंने गाड़ी को ठीक करवाया, सैल्यूट बनता है उस बंदे को, और तब रानी नागर अपनी गाड़ी से अपने घर पहुंची, और अभी भी वो सुकून से नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं हरियाणा की खट्टर सरकार से अपील करता हूं, एक पत्रकार की बात न समझी जाए, एक सामाजिक रूप से इस देश के नागरिक के रूप में मेरी बात को लिया जाए। मैं पत्रकार के रूप में अपनी बात तब कहूँगा जब रानी नागर मेरे सामने होगी, चाहे वो ऑडियो इंटरव्यू हो, जब मेरे सवाल होंगे उनके जवाब होंगे, तब मेरा विवेचन एक पत्रकार के रूप में होगा।
आज तो एक हर एक वो संवेदनशील व्यक्ति के रूप में मेरी आवाज़ है जो घटनाओं को देख रहा है, जो सोच रहा है, समझ रहा है कि मेरे देश में हो क्या रहा है। मेरे देश की सरकार जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तब ये तोहमत नहीं लगती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो भी अपने प्रधानमंत्री के इस नारे का सम्मान नहीं कर पा रही है। ये रानी नागर का अपमान नहीं है, ये प्रधानमंत्री की आवाज़ का अपमान है, ये प्रधानमंत्री के नारे का अपमान है, ये केंद्र सरकार की योजना का अपमान है। और इसको केंद्र सरकार को, खट्टर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार आपके पास है, पावर आज आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उचित समय पर उचित कदम न उठाओ। रंजिशें किसी के साथ भी हो सकती है, आपके संबंध किसी के साथ अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप अपने पद के साथ न्याय न करो, आप अपने कर्तव्य के साथ न्याय न करो। एक बेटी को जो कि IAS थी, उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? इस संपूर्ण प्रकरण की फाइल खुलनी चाहिए। खट्टर सरकार से मेरा निवेदन है, निष्पक्ष जांच करवाएं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए, जिसकी वजह से रानी नागर को IAS जैसा पद, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं, 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, जिनकी आंखों में ये हसीन सपने होते हैं, उस पद को त्यागने के लिए मजबूर हुई, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं रानी नागर जी से संपर्क स्थापित करने के लिए, और अगर उनसे मेरा संपर्क स्थापित होता है तो मैं कोशिश करूंगा उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। और मेरी अपील है भारत सरकार से, मेरी अपील है हरियाणा सरकार से, गलतियों को सही रूप से स्वीकार कीजिए और उचित परिष्कार कीजिए। रानी नागर को सम्मान मिले, उनके स्वाभिमान की सुरक्षा हो, और अब तक की जो घटनाएं हुई है उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करे, और उन्हें उचित सम्मान के साथ उनकी ड्यूटी बहाल हो जहां पर उन्हें कोई तकलीफ ना हो। यह सिर्फ रानी नागर की बात नहीं है, ये भारत की हर बेटी की बात है जो ऐसे पदों पर, या छोटे पदों पर भी सही, पद छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन नारी का सम्मान तो नारी का सम्मान ही होता है, उसका स्वाभिमान तो उसका स्वाभिमान ही होता है। सवाल बड़ा ये है कि जब एक IAS नारी के साथ ये हो रहा है, ये हो सकता है, तो जो छोटे पदों पर नारियां होती है, पता नहीं उनको कैसे समझौते कबूल करने पड़ते होंगे, उनको न जाने किन किन कसौटियों को पार करना पड़ता होगा। आज ये सवाल, ये चिंताएं हम सबके जहन में आ रही है, और सरकारों का ये दायित्व है कि इन सब पर गंभीरता से विचार करें। व्यूवर्स, हाँ, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तथ्यों में कहीं भूल हो तो मुझे माफ़ करें। रानी नागर जी की जो पोस्टिंग है, उनका जो डिपार्टमेंट है, वो जिस पद पर वो इस वक्त थी, अगर वो बताने में कहीं भूल हुई है, हो सकती है, तो माफ़ करें, क्योंकि मैंने भावना के रूप में सिर्फ इसके सार को समझा है, इस घटना के सार को समझा है, और इस घटना को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रानी नागर जी से संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही संपर्क होता है हम उनकी जो ये सफ़र है, 2014 में ये की ये बेच ऑफिसर बताई जाती है, लेकिन शायद 2017-18 से उनका ये सफ़र है, जिस पर उनके मन का दर्द है, बार बार झलका है, कई वीडियोस मैंने पीछे के देखे हैं, तो हम उन्हीं से सुनेंगे उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे इससे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार उचित निर्णय लें और इस बेटी के सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।